नमस्कार, राम राम जी। मैं हूं आपका अपना कुमार। स्वागत है जी आपका हरियाणा बीट्स के स्पेशल प्रोग्राम चौधर हरियाणा की। और आज चौधर को मैकाने हम पहुंचे जी इटल खुर्द गांव में, और हमारे साथ है सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप कुमार जी। तो प्रदीप जी, पहले तो स्वागत है जी आपका हरियाणा बीट्स चैनल पर जी। सबसे पहले सारे इस चैनल को मैं राम राम करता हूं। अच्छा जी, आप जी प्रदीप जी, थोड़ा सा इटल खुर्द गांव के बारे में बताइए जी। कितने गांव की वोट है, कितने गांव की जनसंख्या है जी? यहाँ लगभग 1350-1400 का आसपास वोट हैं जी। अच्छा जी। और इसकी जनसंख्या इसके लगा लो आप 3000-4000। अच्छा जी, इटल खुर्द है जी, ये गांव इटल कलासिया के बसा हुआ गांव ना जी? ना, अच्छा जी। ये बाहर से बुरे उनायत से आके, मतलब फिर पुठी मारे दादा दूदा उड़े तो फिर याड़े पुठी से आ रहे हैं जी। अच्छा, पुठी से आए हुए जी। तो फिर ये इटल मतलब गांव फिर कैसे पड़ा जी? क्योंकि देखो वो जो कला है वो शायद बड़ा गांव होगा। हाँ जी। और इसको इटल इसका भी नाम जैसे इटली रखा गया, तो ये कैसे मतलब दोनों गांव के नाम जो सेम पड़े जी फिर? ये देखो जी, इसके बारे में तो ज्यादा पुराना हो जाएगा जी। पुराना हो गया वैसे फिर ये है मामला तो ठीक है अपना। अच्छा अच्छा जी। अच्छा जी, बात करी जाओ, देखो जी गांव ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही गांव है। तो गांव की जी कौन कौन सी जो मुख्य समस्याएं हैं जो आपको लगता है जी जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए उनका? गांव में जी समस्याएं तो बहुत हैं। अच्छा देख जी। हाँ, नंबर एक पर समस्या आ रही है जो मजदूर मनरेगा का काम मांगे है उसने मनरेगा का काम नहीं चालू हो रहा जी। अच्छा जी। हाँ, और दूसरी जो गांव में सफाई व्यवस्था है वह जमा चरमरा रही है जी, कुछ नहीं जमा सफाई। तो ये जो सफाई कर्मचारी एक है वो थोड़ा बहुत बेचारा सारा दिन में पूरा गांव ने नहीं कवर कर पाएगा। और उस अरे भी जो पोलिथीन वगैरह है, ये अटपट है, नालियां में डलजे हैं, इस तरह बहुत पानी गंदा सारा सिस्टम, सफाई का बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो रही जी। और जो आप बोलो स्कूल में है, जो 8वीं तक का स्कूल है, इसको भी गांव के बच्चा ने इटल तक जाना पड़े पैदल दूसरे गांव। हाँ, और स्टेडियम लाइब्रेरी की तो यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी, जैसे आगे आपने सफाई का जिक्र कराया जी, देखो जी वो तो कोई भी सरकार तो चलो उसमें नहीं कर सकती, पर सरकार ये कर सकती कि जहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर कर्मचारी की व्यवस्था कर रखी है तो उसको 2 या 3 की आप चाहते हो कि मांग करेगी उतनी हो जाए, तो कम से कम जो सफाई है वो अच्छे से हो सके। हाँ बिल्कुल जी, 3-4 आदमियों का काम तो है गांव, 3-4 होने चाहिए सफाई, क्योंकि मान लो जो अगर एक आदमी से पूरा एरिया कवर नहीं हो पाएगा, 3-4 हिस्से में बांट के उसको ठीक तरीके से हो जाएगा। अच्छा जी, ये नहीं कोशिश करी पंचायत ने कि जैसे कि भाई छोटा गांव है तो हम लोगों को समझा ले कि आप अपना जो बरना है, हरियाणी भाषा में कह दें हाँ, कि आप अपना बरना आप साफ कर लो, अपना बरने की जो नाली है वो साफ कर लो, ताकि जो सफाई व्यवस्था है वो अच्छी बनी रहे जी। करें तो है जी, बहुत से घर हैं जो आप देख भी आए होंगे गाँव में, घर का बरना आगे तो ज्यादातर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आलस बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग ऐसा आलसी सिस्टम हो रहा है, कितना समझा लो। अच्छा जी। हाँ, उनका मतलब यो है कूड़ा भी बाहर नहीं डाला, उड़े बगा देना, उड़ी जाओ हवा में, आलस का बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है जी। अच्छा जी, गलियों की बात करी जाओ तो जी, गलियों की है कोई निर्माण की जरूरत या मरम्मत की जरूरत गांव में जी? हाँ जी, बहुत ज्यादा। ये जो नाली में पानी में अड़ जाओ अड़ंगा, उस तो सफाई हो नहीं पाती, उसमें कीचड़ वगैरह भी कई गाल, आपको देखना चाहो तो देख भी आइयो। अच्छा जी, गली में पानी मरण लायक, पानी मरण लायक जे, निकलन का रास्ता नहीं होता, नाले भरे पड़े हैं, सफाई का तो बुरा हाल है जी। अच्छा जी। हाँ, कितनी गलियां होंगी जी जो आपके हिसाब से जी नई बनवाने की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है गाँव में जी? लगभग लगभग मरम्मत तो सारी है मांग रही। अच्छा जी, मरम्मत सारी है मांग रही। हाँ, क्योंकि कई साल हो गए उसमें किते खड़ा बनाया दिया, किते किमे बनाया दिया, मरम्मत तो मांगे जाओ जी। अच्छा जी। हाँ, तो नहीं अभी जैसे पिछली जो योजना में तो जो योजना वो 7 साल की गई लगभग, तो उसमें नहीं बनी जी कुछ गलियां? भाई बनी थी जी, बिल्कुल बनी थी, फिर वो भी क्या हुआ है जैसे ये गली आगे से बनी थी, इसमें भी पानी है कि सुविधा वो सही पूरी उठन नहीं पाई। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा हा के जो नीचे रख दी।
अच्छा नीचे रहने में उसमें आगे जाकर रास्ते में दिक्कत आवे है, पैदल चलने में बारिश थोड़ी होते ही पैर दसन लाग जाऊंगी उसमें। अच्छा जी, पानी ज्यादा है क्या आपके गांव में, इसलिए पानी गलियों में? पानी का तो देखो ये है कि भाई जो समरसीबल लगवा दिए सरकार ने पहले, अच्छा जी, ये लोग इसका सदुपयोग तो करते नहीं, चला के महेश नुआ दी फलाना काम कर दिया, डंगा खंडाना, ये जो बंदर बाट होया कर देनी वो इंसान लग गया करना। अच्छा जी, इंसान की सुई वो नहीं, इसका सदुपयोग ही नहीं करता। अच्छा, जो समस्या का पानी है वो गली में मर रहा है, चल तो छोड़ दे। अच्छा, ये निबर टूटियों का है, जो जल घर पानी का है, जो भी है जिसका भी है उसको चलू छोड़ दे, आग के बरा पानी ना पूछन पावे। अच्छा जी, पीछे एक घर उसने खराब करने लग रहा है, कितना है कह लो जी भाई, एक आदमी तो उसका यो नहीं है कि वो एक सारा दिन करदार, समझाया भी लिए बताया भी लिए, टूटी वाले भी आ जाओ है, इसी बात नहीं है, कोई नहीं आंदा कहने सारे बात, गांव के आपस में जुड़ सा पानी नहीं पूछता बेचारा, सारा जायका भी आवा है, लेकिन समझदारी की काम इस से आते तो जब चमासी आवा है खासकर उस मौसम में तो फिर और भी ज्यादा खराब हो जाता होगा। हाँ जी, बहुत, का तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो जाओ चमासिया में, तो पानी पानी भी भर जाता होगा जी फिर तो, बिल्कुल हो जाओ, जो नाले नूले हैं वो भी और फ्लो हो गए, गली में को पानी निकल जाओ है। अच्छा जी, ये पोलथीन का जो सिस्टम है नी, ये बहुत गंदा है, ना तो ये गड़दा ना ये आगे सरकड़ देता पानी ने, डंगा नड़ा ले है, ये बहुत खतरनाक है, छोटे बच्चे की चीज आवा बीड़ी हो का जुन सा पियो वो बगाए दे है, बुरा हाल हो रहा है जी। फिर पानी का निकासी का नहीं जी अपने घनखरे गांव में देखा, जैसे छोटे जो जोड़ तालाब सा बना दे और पानी सारा उसमें उतार दे हैं, तो अपने नहीं व्यवस्था वो है जी, उसमें उसका पानी भी निकलवाया जाए। हाँ टाइम तय। अच्छा जी, लेकिन ओड़ पूछने से पहले रास्ते में बंद है लग जाओ, जो ये बताऊं मैं पोलथीन का जो सिस्टम है नी, यो बहुत खतरनाक है जी पानी। अब ये कह रहे हो कि आप जो सारा पानी है वो उतर नहीं पाता उसमें, उसमें रोज सफाई तो होती नहीं। हाँ सफाई होती है रोज। हाँ जो रोज सफाई नहीं होगी तो उसका मतलब यो ये है कि और फ्लो तो होएगा। अच्छा जी, तो अभी इस साल हमने देखा कि सरकारी तरफ से जो ये कहा भी गया पंचायत वो कि आप अपने गांव में जितने भी जोड़ हैं उनका, जैसे सौंदर्यीकरण की जो स्कीम है वो भी आई थी कि जोड़ों की सफाई भी करवाओ, पानी साफ डलवाओ, तो इस तरह जी अपने नहीं हुआ कोई काम ऐसा कुछ? साफ करवा था जी, जुगर जोड़ सारा साफ करवाया, घाट का निर्माण भी करवाया रखा है। अच्छा जी, और एक दो दीवार जोर रह भी रही है, काम रह भी रहा है, चल भी रहा है, लेकिन जुगर वो चल रहा है, देखो कितने सकीमी भी लगे, सौंदर्यकरण का कुछ नहीं हो रहा जी। अच्छा जी, उसके उसका कोई अभी तक काम नहीं, नहीं हो रहा जी, वो कुए का बहुत बताओ तो है लेकिन आ नहीं रहा कुछ। अच्छा जी, अच्छा जी, कुल मिलाकर जी लगभग एक साल से ज्यादा सरपंच बने हुए हो गया, नवंबर में हुए थे पिछले साल भी लेकर, और वही एक साल लगभग हो गया जी, तो कितना कुछ बजट गाँव में आया है आपकी? दिया जी देखो 10 लाख तो मारे, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अच्छा जी, जो कम्युनिटी हॉल का आए हैं 10 लाख, एक वो गली बन गई जी बैर फिरनी पे, उसके आए हैं 10-1 लाख। अच्छा जी, और 2-3 परसा के भी आ रहे हैं जी 5-5 लाख रुपये। अच्छा जी, तो ये लगभग 20-15-35 लाख, 35 लाख का लगभग ये दिए हैं जी गवर्नमेंट। अच्छा जी, 35 लाख में फिर में जो काम गलियों का, ये जो काम हुआ है नी जी, ये जो इस्तव है के नाम है इसका ठेकेदार प्रथा है। हाँ जी ठेकेदार, हाँ जी ठेकेदार, कदे भी मान लो आप देखो हो उनके साथ झगड़ा हो जाओ सारी बात हो जाए, लेकिन वह नहीं कर दे जी काम। अच्छा, कई बार क्या हो उसके सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, ये देखा हाँ सीमेंट नहीं मिलाते जी वो पूरी तरीके से, जो उसका नियम है उन काट किते तो नरी रेती चेप दे हैं, किते नरी सीमेंट सीमेंट लाए दे हैं, तो काम जल्दी उखड़ जाओ जी, जो आपका मटेरियल है वो अच्छे से उसका बस सदुपयोग नहीं हो रहा जी। अच्छा, ये सरकार ने सोचा तो ठीक था, चल मारे भी नो समझ में था बाबा अच्छी बात है, हमने तो पैसा चंदा नहीं जी। हाँ जी बिल्कुल, सारा मतलब उसके साथ करवा लो, हम ना अपना काम अपना काम से मतलब हम। हाँ मैं आज भी गांव में कहीं भी तस्दीक कर लो, ये है कि भाई ये बंदा नहीं ले होगा इसमें तो कुछ भी, लेकिन फिर है कि है वो काम की बुराई मार पाओ। हाँ बुराई उसकी क्या है भाई, सरपंच सारा दिन तो वहां पर नहीं खड़े हो सके, यो काम तरीका सर नहीं करना, उन्हें ईंट है ईंट एक नंबर की नहीं लगानी, और 3-4 नंबर की ईंट पीली टोरडे लगाए दिए वो कह दिन चलेंगे बिल्कुल। और फिर दूसरा जो मजदूर है वो बाहर क्या, एक तो गांव का मजदूर ने काम मिला कर रहा था बिल्कुल, गांव वाले भी खुश हो जाते सरपंच ने मारती काम दे दिया, ना तो वो काम मिल रहा गांव वाले ने भी, और ना वो काम बढ़िया तरीका था गांव में, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा।
अच्छा जी, इसका कुछ फिर कोई शिकायत का नहीं है कि भैया जिस अगर कोई जो ठेकेदार है जैसे कि आप बता रहे हुए अच्छा मटेरियल नहीं लगा रहा या फिर जो ईंटे है वो भी खराब लगा रहे, तो इसकी शिकायत की कोई है नहीं जी भाई? शिकायत करो आप शिकायत बार सारे ही बाप के माध्यम से भी करने लग रहे हाँ जी, सारा हाँ। करा भी हाँ, अच्छा, कोई सरकार ने यो थोप दिया। अच्छा जी, ये भी सरकार इस तस तमस नहीं हो रही, सारे सरपंच उड़ इकट्ठे भी हो लेते भाई इसका पैसे का दुरुपयोग होगा, लेकिन सरकार ने क्या कह दिया कि भाई ये सरपंच चोर हैं। जी जी, तो सरपंच चोर हैं ये अपना घर बनाने के लिए, भाई घर ना बनाओ सरपंच एक बार लिख के दे देगा, इस काम की जिम्मेवारी ले लोगे गवर्नमेंट, वो ठेकेदार पर ये घाट बना रखे जी, देखा हो आप घाट भी बन रहे है। अच्छा जी, वो इतनी इतनी ईंट ऊंची ठह दी, वो एक ईंट हिलगी नहीं सारा घाट खत्म, दोबारा फिर सरकार पैसे देगी, दोबारा फिर वो पैसे वो सरकार दुरुपयोग हो रहा है जी पैसे का, खुद सरकार को भी नुकसान हो रहा है इसमें, तो सारे देश ने नुकसान हो, क्योंकि पैसा भी आ रहा है और काम भी फिर अच्छा काम भी अच्छे तरीके से नहीं बनता इस ठेकेदार की वजह से, और हम भी कितना का लड़ा जी, बिल्कुल उसके साथ लड़ लड़ के मतलब वो ये सोचा है कि भाई वो कुछ खाना चाहो, हमने ऐसा मान लाएगी जी, बिल्कुल बोल बोल के भाई छोड़ दे कोई नहीं भाई, तू जुगर कर तेरा दे धर्म। अच्छा जी, जो ये दावा किया गया हुआ है पहले जो पंचायत में बड़ा भ्रष्टाचार होया करता, तो पंचायत पीछे खा जा रही है, सरपंच खा जा रहा पीछे, लेकिन अब वो जो भ्रष्टाचार वो खत्म हो गया, वो खत्म तो गांव करेगा जी, वो देखो सरकार ने कहां तक खत्म कर दिया है ये भ्रष्टाचार, तो ये भी ये देखो अभी ये ठेकेदार कर रहे ठेकेदार करेंगे, ये तो गाँव जो सा मान लो भ्रष्टाचार ही है नहीं, उसने दोबारा बना दिया होगा, बिल्कुल नहीं जी, गांव में पहले ऐसी सा हुआ है, देख के बनाओ वोट भी उसे दे हुए हैं, मारे जो गरीब के अपन वोट मिली थी बराबर में, गांव में पहली बात तो कोई फार्म में भरनिया नहीं था, अच्छे हाँ दूसरा फार्म भरनिया नहीं था जी, और भरनिया मिल गया तो उसकी एक किस्म तक आधी वोट नहीं आई जी, अच्छे हाँ आपका समर्थन था, हाँ 1200 वोट थी, उसने भी लालच में कई हुए जी उधर हुई गंदे आदमी जैसे कई जगह कब्जा कर रहे हैं, कई जगह कुछ कर रहे हैं, कुछ अपना हिसाब किताब तो सोचो देख भाई तामे बनानी हो, वही की बार पूरे वो करके इलेक्शन लड़ा, उनकी 400 वोट नहीं आई जी, और अपने 787 वोट आई थी जी, बिल्कुल जी, तो वो पहले देख ले गांव में भाई किसको जिताना है, कौन गांव में अच्छे काम कर सके है कौन, लेकिन ये सरकार हमने भी नीचा ही दिखाओगी जी, क्यों जब एक बताओ काम तो मेरी योजना बनेंगे और सुननी भी मन नहीं पड़ेगी, बिल्कुल गांव तो आपसे ही साहब मांगेगा, हाँ मेरे से मांगेगा हिसाब भाई ये क्या कर दिया, मिनट मिनट में आएगा यार मसाला ठीक नहीं लग रहा, या जड़न लग रही है, या ईंट बढ़िया नहीं है, यार तराई बढ़िया नहीं है, यार फलाने चीज बढ़िया नहीं है, उसका सारा हिसाब किताब तो मैंने सुनना पड़े है, बिल्कुल गाँव की तो मैंने सुननी पड़े है, लेकिन हम है कि हम किसको सुनाओ, सरकार मानने तैयार नहीं, और ये भी है जी गांव का अगर सरपंच बन गया तो बनने के बाद भी अगर पहले मानस का देखो 7 पीढ़ियां तक का उलाना हो जाए, अगर कोई भी काम गांव में खराब कर जाए है या फिर कोई ऐसा नुकसान कर जाए तो बड़ा उनकी जो आने वाली पीढ़ियों में भुगतना जवाबदेही है जी, जवाबदेही उनकी भी बिल्कुल जवाबदेही है, आराम बल्कि बताया भी रही थे गाँव ने भाई देख हमने बहुत लड़ाई लड़ी सरकार मानने तैयार नहीं हुई, ये सरकार जिसी होगी इसकी मंशा पर सारे सवाल बिठाओ भाई ठेकेदारा पे कमीशन ले लेंगे या कुछ और के करे हैं कि नहीं, ठेकेदार भी जैसे इसमें भी तो बोली वगैरह लगती है, ठेकेदार भी अगर जब बोली लगा होगा तो वो भी कम की लगा होगा, कम एक बताओ जी यार, तो वो भी पैसा बचाने की कोशिश करेगा, आप जब चीज की कीमत है इतनी हाँ जी, और उसने कम में कैसे ले देगा, वो बढ़िया चीज लगा के ले देगा उसमें तो सोचने वाली बात है, हाँ ऐसे एक बताओ तभी तो बता रहे हाँ कि सीमेंट रेती ने भी मिलाने का बढ़िया वो नहीं है उनका प्रोग्राम, कई जगह तो रेती रेती लगा दी, कई जगह सीमेंट सीमेंट लगा दी, न वो रेती वाली ईंट कह दिन चलेंगे, बिल्कुल जी वो नुकसान है, जितनी वो नीलामी ला रहे हो तो कोशिश करेगा अपना पैसा, कोशिश करेगा जी रेती रेती में बनाएगा चलेगा, हाँ कोशिश करेगा जितना वो पैसा बचा सके, बस वो बार बार लिपाई कर देगा वो कई दिन चलेगा, वो देखो कुल मिला के जो ये भ्रष्टाचार को कम खत्म करने की कोशिश की वो दोनों बड़े ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा हो गया, हाँ। अच्छा जी, अभी फिलहाल आपके हिसाब से कितना बजट गांव को चाहिए कि कम से कम भाई इतना बजट गांव को मिल जाए, और जो जितने भी हम काम है खासकर चाहे वो नालियों की हो, सफाई की हो, गलियों की, ये सारे हम काम करवा सके? देखो जी बजट तो आप नू ला लो भाई, गांव में मारम है ना, तो कोई बढ़िया स्टेडियम तो है ही नहीं, अच्छा जी
लाइब्रेरी नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, डॉक्टर का अस्पताल नहीं है, ना पशुओं का, ना आदमियों का, कुछ नहीं है जी। अच्छा। उपकेंद्र भी नहीं है। के गली निर्माण है बस को, वो भी कितिया, वो भी मरम्मत मांग रही है। अब आप देख लो जी कितनक में के चीज बन जाएगा, ये सारी चीजा डिमांड है। गांव में सबसे पहले जो जरूरत है स्वास्थ्य केंद्र की। बिल्कुल भाई, कोई बीमार हो जाए हमारे गांव में तो फिर रामरा जाना पड़े है, या फिर पड़ोस के गांव में जाना पड़े है। कई आप साधन नहीं होता गरीब आदमी पे, बिल्कुल उसमें मुश्किल हो जाए। तो ये चीज सरकार दे रही है जो मूलभूत सुविधाएं जो का अगर आप, वो बिल्कुल भी वो नहीं है जी, ना पंचायत भवन भी नहीं जी। तो पंचायत ने नहीं कोशिश करी जी सारी बहन सीधा कुछ तो हम लिख के तो देवा। हाँ जी, सारी चीज हुए है बोले। वैसे तो सरकार बोल रहा है इसमें बजट की कमी नहीं, फिर इस चीज के बारे में हमने लिख के दे दिया। तो फिर और नहीं, अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है तो नहीं कोशिश करी बाकी एमएलए वगैरह ने कम्युनिटी हॉल दिया है बता लग रहा जी, दिया है 35 लाख इस एमएलए ने हमारे को बता रहा था। पीछे वाला नहीं गया बोला मेरे पास। अच्छा भाई, अब की बार गांव में आए हैं 35 लाख तारे को दिए भी हमारे को, तो जो और चाहिए। हाँ वो बोला है जी देवांगे, एमएलए साहब ने तो आश्वासन दिया है देवांगे। देखो जी कितने दिन में के देवांगे। चलो जी, तो जी प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी बेबाकी से आप अपने गांव की जो समस्याएं उठाई, हम भी चाहेंगे कि वो जो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपके गांव को मिलनी चाहिए। तो धन्यवाद प्रदीप जी। धन्यवाद जी। तो जी चौधर हरियाणा के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और गाँव की चौधर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा बीट्स। राम राम।